नहीं बा, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं तुमसे बात तब करूंगी जब तुम मुझे बताओगे कि तुम सगे किसके हो, उसके या मेरे। मां तुम अच्छी तरह जानती हो, चाहे जो भी हो तुमसे बड़ा मेरी दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। लेकिन इसमें सगे और पराए की बात ही कहां आती है? What's wrong with you? एक मां के सामने उसके बेटे को कातिल कहा जा रहा है तो उस मां का रिएक्शन क्या होगा? जब मैंने ये बात पहले सुनी थी तो बुरा मुझे भी लगा था, लेकिन कम से कम श्वेताना की पूरी बात तो सुन लेनी चाहिए थी, करण की हिफाजत के लिए ही सही। इन लोगों की बात सुनो जो उसके खिलाफ खुद कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है, कोई साजिश हो रही है, लेकिन अगर हमने श्वेताना की सारी बात सुन ली होती तो उसकी बातों से ये तो पता चलता कि क्या साजिश हो रही है। मेरा दिल कहता है कि करण ने किसी का कोई खून नहीं किया है। मैं अपने दिल की बात सुनूं या फिर उस बदचलन औरत की जो अपने स्मगलर भाई का संदेशा लेकर यहां आई थी? जब करण ने किसी का कोई खून ही नहीं किया है तो डर किस बात का? नहीं मां, तुम्हें लेविन की ताकत का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। उसके बस में ऐसा बहुत कुछ है जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर वो किसी बेकसूर को कसूरवार ठहरा भी देता है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ठीक कह रहे हो तुम ऋषभ, हमें अपनी तरफ से होशियार रहना चाहिए। मां, सबसे पहले हमें यह करना चाहिए कि तुम अकेले इस घर में ना रहो। जब तक ये सारी सरगर्मियां खत्म नहीं हो जाती तुम जाकर करण के साथ उसके घर में रहो। करण के साथ मैं नहीं रहूंगी, अगर तुम कहो तो तुम्हारे साथ रहूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें कुछ दिक्कतें आए। कैसे? मां, अभी अभी मैंने जो तुम्हारा श्वेताना के साथ बर्ताव देखा है उससे लगता है कि तुम अभी तक बिल्कुल नहीं बदली। श्वेताना यहां क्यों आई थी, वो क्या चाहती थी, उसके इरादे नेक भी हो सकते हैं, ये बातें जानने की तुमने बिल्कुल जरूरत नहीं समझी। इसका मतलब साफ है मां, तुम आज भी कुछ लोगों के बारे में वैसा ही सोचती हो जैसा पहले सोचती थी। अनफॉर्चुनेटली उन लोगों में मैं भी शामिल हूं और मेरे कुछ दोस्त भी शामिल हैं, जैसे मेधा और त्यागी। मेरे दोस्तों का मेरे घर आना जाना रहता है। यू विल बी वेरी अनकंफर्टेबल मां।